क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है तो टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा लोग बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसकी वजह से कई स्मार्ट स्पीकर्स भी मार्केट में आए हुए हैं, जैसे कि अमेज़न एको, जिसके अंदर जो ब्रेन जो एआई है उसको बोला जाता है एलेक्सा, जो आपके लिए कुछ भी सर्च करके आपको रिजल्ट बता देती है। अगर आप इसको कमांड दोगे तो वो रिजल्ट आपके सामने लाकर रख देगी। अब यहाँ पे चाहे आप कोई सी भी कमांड इसको दो, जैसे कि आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, उसी तरीके की कोई भी चीज आप सर्च करने को इसको बोलो, ये सर्च करके रिजल्ट आपको देगी, चाहे वो कोई गाना हो, चाहे कोई फ्लाइट बुकिंग हो, चाहे कोई प्रोडक्ट बुकिंग हो, चाहे कोई ऑर्डर करना हो, कोई बाहर से खाना मंगाना हो, या फिर किसी रेस्टोरेंट के बारे में पता करना हो, कोई कैब बुक करनी हो, तो ये हर तरीके का ऐसा काम कर देती है। अब यहाँ पे एलेक्सा के बारे में आप कई चीज़ें नहीं जानते हो जो ये स्मार्ट स्पीकर करता है, जो इसको चलाने वाले और खरीदने वाले यूजर्स को मालूम ही नहीं है कि ये सब चीज़ें भी ये कर रहा है। तो अगर आपका मूड बने इसको खरीदने का तो आपको मालूम होना चाहिए, हालांकि कोई बुरी चीज़ें नहीं है लेकिन फिर भी मालूम होनी ज़रूरी है। तो आज इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। ब्रजेश को भगाओ, मेरा नाम लाओ, मेरा नाम है बारिश शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। अब कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अमेज़न का ये जो एलेक्सा एआई है इसको बनाया किसने? ऑब्वियसली अमेज़न ने ही बनवाया, और किस लिए बनवाया है? अपने फ़ायदे के लिए। अब आप इसको खरीद लेते हो, इस स्मार्ट स्पीकर को खरीद लेते हो जिसका नाम अमेज़न एको है। इसके बाद में आप एलेक्सा को कमांड देते हो कि विच इज़ द बेस्ट टैबलेट, वो सिंपल ही कह देगी कि अमेज़न किंडल फायर, ये बेस्ट टैबलेट है, आप इसको ले लो, क्या ऑर्डर प्लेस करूं? आप कहोगे हाँ कर दे, बेस्ट यही है। तो ये ऑर्डर करेगी अपने प्रोडक्ट का, ये जो अमेज़न किंडल है, और ज़्यादातर ये प्रेफर करेगी कि आप अमेज़न से ही चीज़ें खरीदो। अब अगर आप कहते हो कि भैया GPU कौन सा बेस्ट है, तो आपको ये बता देगी कि भैया ये वाला ग्राफिक कार्ड बेस्ट है, ऑर्डर कर दूं क्या? आप कहोगे हाँ कर दे, और ये ऑर्डर कहाँ पर जाएगा? अमेज़न के ऊपर। तो ये बेसिकली ये जो AI है ये ज़्यादातर चीज़ें आपकी अमेज़न पे ही बुक करवाने की कोशिश करेगा, और चाहेगा कि आप अमेज़न से ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लो। अब दूसरी चीज़ आती है, ये स्मार्ट स्पीकर हमेशा आपको रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, इससे अपने आप को ही इम्प्रूव करता है। अमेज़न ने खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें पसंद नहीं है। मान लो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, उसको वो पसंद नहीं है, उसको वो पसंद है, तो इस तरीके से ये खुद ही सीख रही है कि किसको क्या पसंद है, जिसकी वजह से आपको ये जो भी सजेशन देगी वो आपकी पसंद का ही देगी, क्योंकि इसको समझ आ चुका है कि आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, क्योंकि हर चीज़ ये आपकी जो भी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं उससे ये अंदाज़ा लगा लेती है कि भैया क्या चीज़ है। तो इससे आपको एक चीज़ और पता लग जाती है कि अमेज़न आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है, जो स्मार्ट स्पीकर है बेसिकली ये आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है, जिससे उसको पता चल जाता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ें नहीं पसंद है। और इसी के साथ साथ इसने कई बातें ऐसी भी रिकॉर्ड की हैं जो काफ़ी अब्यूजिव हैं, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, तो ये ऐसी बातें भी रिकॉर्ड कर चुकी है कईयों की। लेकिन यहाँ पर अमेज़न का कहना है कि ये थोड़ी प्राइवेसी को लेके हम इन सब बातों को दबा के रखते हैं, और जब कोई केस सॉल्व करने की बात आती है तो वहाँ से हम निकाल के ट्राई करते हैं कि केस सॉल्व हो जाए, अगर इस स्मार्ट स्पीकर से ये हो सकता है तो। अब क्योंकि इस स्मार्ट स्पीकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मालूम चल चुका है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो यहाँ पर अमेज़न अब और भी आगे की सोच रहा है। जो भी पेड प्रमोशन की एडवर्टाइजमेंट होगी, उसके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे जो सेल करने होंगे, अगर उनमें से कोई चीज़ आपको पसंद होगी, कोई कैटेगरी ऐसी होगी चाहे मोबाइल की हो, लैपटॉप की हो, और वहाँ पर पेड प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट आ रखे हैं, तो सजेशन में ये भी आपके सामने आ सकते हैं इस स्मार्ट स्पीकर से। अब यहाँ पे अमेज़न एको की सीरीज़ के अंदर कई ऐसे स्मार्ट स्पीकर भी आ चुके हैं जिसके अंदर कैमरे भी लगे हुए हैं, और इसी के साथ साथ स्क्रीन भी दी गई है, जिससे आप वीडियो चैटिंग भी कर सकते हो अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, या फिर किसी और से। तो इस तरीके के फीचर भी आए हैं, लेकिन ये हैकेबल भी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है, तो इससे हो सकता है आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता हो, और अगर कोई हैकर के पास में ये डिवाइस आ जाता है, मतलब वो आपके घर में आता है और उसके बाद में इसे हैक करके चला जाता है, तो अब उसको मालूम है कि आप अपने घर में क्या कर रहे हो, क्योंकि सारा डाटा जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास में जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि अमेज़न एको की ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग की सीरीज है वो अनहैकेबल है, वो हैकेबल है जिसको हैक किया जा सकता है, जिससे सारा डाटा इस हैकर की तरफ जाएगा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ जाएगा जिसको हैकिंग की नॉलेज नहीं है, लेकिन उसने इंटरनेट से थोड़ा बहुत सीख लिया है कि ये जो सारी वीडियो है इसको मेरे लैपटॉप या मेरे कंप्यूटर तक भेज देना, जिससे मैं देख सकूं लाइव कि आप क्या कर रहे हो अपने घर में।
अब जाते जाते मैं आपको एक आखिरी पॉइंट भी बता देता हूँ इसका, ये बिना इंटरनेट के नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट परचेज कर दिया और इसे बिना इंटरनेट के चलाने की सोचोगे, नहीं, बिना इंटरनेट के नहीं चलेगा। इसके लिए आपके घर में वाईफाई का होना जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई सिम स्लॉट नहीं है जिससे आप इसमें कोई सिम डाल के इंटरनेट डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये सिर्फ वाईफाई से ही कनेक्ट होता है। तो अगर आप इसे कहीं ले जाने की सोच रहे हो तो आपके मोबाइल में वाईफाई हॉटस्पॉट होना चाहिए ताकि आप इसे वाईफाई से कनेक्ट कर सको। तो फिलहाल के लिए ये कुछ बातें थी Amazon Alexa की, जो शायद आपको नहीं मालूम थी कि आपकी रिकॉर्डिंग भी किया करते हैं, जिससे सारी चीज़ें इनको मालूम रहती है और इससे क्रिमिनल केसेस भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यही था इस वीडियो के अंदर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी टाइप की और वीडियो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन ज़रूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, कर 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 ना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।